दोस्तों, ये है हमारे पास पेटीकोट का पीस और ये आता है 2.25 मीटर का और रेडीमेड पीस मिलता है। ठीक है, इसको हम खोल लेते हैं, इस तरह से खोल लेंगे। और अब भी ये है 4 फोल्ड में। अब ये कितनी फोल्ड में हो गया है? 4 फोल्ड में। सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसकी ये फोल्डेड साइड है, ये वाली, इसको हम इतना डबल कर लेते हैं, देखिए। ठीक है, और इसके बाद अब हम देखेंगे इसकी लेंथ, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है। तो दोस्तों, इसकी टोटल लेंथ है 38। मुझे बनाना है 34 का, तो मैंने लिया है 35। इस चीज़ की लेंथ ले ली है, अब आप इसको देख सकते हो। और ये जो नीचे से है, इसको हम फोल्डिंग में लेंगे। ये देखिए, ये जो है, यहाँ से हम नीचे से इसको फोल्ड कर देंगे। तो ये इसकी टोटल लेंथ हो गई, आप देख सकते हो, और 35, और तैयार करना हमें 34। 34 तैयार चाहिए, तो हम इसको लेंगे 35 इंच। ये जो पार्ट्स हैं, जिसको मैंने यहाँ पे फोल्ड किया हुआ है, इसको हम कट करके यहाँ से और अलग कर देंगे। ये हम 4 इंच का नेफे के लिए अलग से निकाल लेते हैं, इसमें हम नेफा बनाएंगे, डोरी बनाएंगे, तो इसको हम कट कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हो, मैंने इस पार्ट्स को कट करके अलग कर दिया है। अब यहाँ से हम इसकी आपको लंबाई और इसकी कलियाँ जो कटिंग करना वो बता रहे हैं। यहाँ से मैं इसको लूँगी, यहाँ से मैंने लिया इसको 6 इंच पे, और यहाँ से भी हम इसको लेंगे 6 इंच पे। तो ये दोनों मैंने पॉइंट लगा दिए हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम इस तरह से सीधा मिला देंगे। इस तरह से हम इसको लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे इसकी लाइन ड्रॉ कर ली है। इसके अपोजिट में होनी चाहिए, देखिए, ये है इस तरफ और इसको लेना हमें इस तरफ। इससे इसकी जो होती है वो अपोजिट साइड होती है, तो मैंने अपोजिट साइड में इसको ड्रॉ कर लिया। यहाँ से 6 इंच है और यहाँ से 6 इंच है। अब ये जो लाइन ड्रॉ किया है, इसको हम कट कर लेते हैं। तो ये ली है मैंने कैंची और इस तरह से इसको हम कट कर लेते हैं। ये हमारी पेटीकोट की कलियां कटिंग हो गई है। अब इसको हम इसके ऊपर इस तरफ ऐसे रखेंगे। यहां से इसको बिल्कुल बराबर में कर दिया है, और एकदम से बराबर में रखते हुए हम इसको कलियों को इस तरह से ऊपर रख लिया है। अब हम इसको इस तरफ से चेक करेंगे। यह है 39, ये 39 ऊपर से, और यहाँ से इसको हम देखेंगे, ये है 39 प्लस 1/2 इंच है। तो जो एक्स्ट्रा 1/2 इंच है, वहाँ पे हम इसको पॉइंट लगा देते हैं। ये इस तरफ से इतना, जहाँ से हमने कटिंग की थी उस साइड से ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा है। तो ये जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा है, इसको हम इस तरह से शेप लगा देंगे। अब हम इसको कट कर देते हैं। ये मैंने कट कर दिया है। अब ये दोनों साइड से, इस तरफ से इसकी लंबाई और इस तरफ से इसकी लंबाई बिल्कुल बराबर है। तो ये देख सकते हैं आप, 1, 2, 3 और 4, 4 कलियां सिंगल है और ये 2 कली है, ये जो है इस तरह से लंबी है। ये कली इस तरह की होगी, ये देखिए इस तरह की। तो अब हमें क्या करना है, इसको एक पार्ट को लेंगे और इसकी एक कली लेंगे। इसकी जो ये कॉर्नर साइड है, यहाँ पे हम इस सिंगल कली को रखेंगे, यहां से यहां तक इसकी हम सीधी सिलाई लगा देते हैं एक साइड में, और जो इसकी ये दूसरी साइड है, इस पे भी हम
ये सिंगल कली लेंगे और इसको हम इस तरह रखेंगे इसके ऊपर और एक सिलाई यहाँ पे लगा देते हैं, एक सिलाई इस तरफ एक सिलाई इस तरफ, इस तरह ये जॉइंट होके यो इस तरह से हो जाएगा। तो हम इसको कटिंग स्टिचिंग कर लेते हैं। जो साइड कटिंग की हुई है वहाँ पे हम कॉर्नर की जो किनारे की साइड है वो रखेंगे और सिलाई कर देंगे। ठीक इसी तरह से ये जो कटिंग की हुई साइड है इस तरफ ये किनारी वाली साइड लेंगे, ये वाली साइड जिसमें किनारी है इसको रखेंगे और नीचे तक इसको बराबर में सील देंगे, बराबर में ऐसे सील देंगे। ये एक सिलाई करके इसको जॉइंट कर लिया है और एक सिलाई यहाँ पे करके इसको मैंने जॉइंट कर लिया है। इस तरह से आप देख सकते हो ये तीनों लेयर यहाँ पे जॉइंट हो गई है, एक दो और ये वाली तीन लेयर। ठीक है इसी तरह से ये पार्ट्स हैं और इसके भी मैंने आप देख सकते हो ये तीनों लेयर जॉइंट कर ली हैं, एक दो और ये तीन, दोनों पार्ट्स अटैच हो गए हैं। अब इसको हमें ये वाली सिलाई करनी है, ये जो साइड की सिलाई है इसको हम इसके अंदर जॉइंट कर देंगे और इसके बाद इस तरफ की जो ये साइड है इसको हम पूरी इसके अंदर ऐसे जॉइंट कर देंगे, एक सिलाई निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने इस तरफ वाली इसकी लंबी सिलाई भी निकाल ली है और ये जो कमर का पार्ट है आप देख सकते हो और इस तरफ वाली लंबी सिलाई थी वो भी निकाल ली है। ठीक है ना दोनों से जॉइंट के लिए। इस तरफ पे मैंने आप देख सकते हो यहाँ पे यहाँ से लगभग 4 इंच को मैंने ओपन रखा है और ओपन रखने के बाद इसको आपको कैसे करना है देखिए, यहाँ पे मैंने पट्टी जॉइंट की है, कैसे जॉइंट किया है यहाँ तक इसकी सिलाई लगा दी है। ठीक है ना ये सिलाई मैंने लगा दी है और इस सिलाई लगाने के बाद मैंने ये देखिए 2 इंच की पट्टी ली है। मैं आपको इसको एक साइड को खोल करके दिखाती हूँ कि कैसे इसको जॉइंट करना है आपको। अब ये देखिए ये पट्टी है, जैसे ये डबल पट्टी है ना, इसको हमें यहाँ तक स्टिच करना है। ठीक है और इसके बाद में इसका जो ये वाला पार्ट है इसको आपको इस तरफ में स्टिच कर देना है इस तरह से। अब आपको अच्छी तरह से शायद दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से इसकी एक सिलाई पहले यहाँ तक ले लेंगे, यहाँ तक ले ली और इसके बाद में यहाँ हम छोड़ देंगे और इसके बाद इस तरफ में ले लेंगे एक सिलाई। आप देख सकते हो यहाँ तक, ठीक है ना ये सिलाई आपको दिखाई दे रही होगी। तो आपको आधी पट्टी को इस तरफ जॉइंट करना है यहाँ पे ऐसे रख करके और इस तरफ जॉइंट करना है, एक सिलाई लगा लेते हैं। उसके बाद में इसकी आपको एक्स्ट्रा प्रोसेस दिखाती हूँ। यहाँ पे लाने के बाद इसको रोक लेंगे यहाँ तक और जो आधी पट्टी है उसको हम इस तरफ ऐसे स्टिच कर देंगे। तो ये इस तरह से एकल स्टिच हो गई है, ठीक है ना इस तरह। तो देखा ना दोस्तों ये पट्टी यहाँ पे मैंने स्टिचिंग ले ली है ना पूरी। ठीक है अब आप इसको ऐसे रखिए एक पट्टी को और इसके यहाँ पे ऊपर यानी गढ़ाई हो जाएगी, ठीक है ना। और इस ये जो आधा हिस्सा है इसको हम अंदर की ओर ऐसे फोल्ड कर देते हैं। ये देखिए ये तो अंदर की ओर चली गई और ये बाहर की ओर आ गई है। अब ये हुक और आई की पट्टी यहाँ पे हो गई है, ठीक है। अब इसके ऊपर से यहाँ पे हम एक सिलाई लगा करके यहाँ तक इसको स्टिच कर देंगे, ठीक है। इसके हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे एक और इसकी सिलाई यहाँ पे ऊपर से लगा करके यहाँ पे इसको लॉक कर देंगे इस तरह से। तो मैं आप चौक से बताती हूँ आपको। तो ये जो नीचे वाली पट्टी है इसके हम यहाँ पे इसके कॉर्नर्स पे पट्टी पट्टी पे एक सिलाई लगा देंगे, ठीक है। और ये इसको हम अंदर की ओर फोल्ड करके और यहाँ पे इसकी एक सिलाई ऐसे लगा देंगे। तो ये हो गई ना हुक और आई की यहाँ पे और बहुत ही अच्छे से आपके ऐसे पट्टी यहाँ पे स्टिच हो जाती है। तो यहाँ पे आप हुक और आई लगा सकते हो। तो इस तरफ हुक और आई की पट्टी तैयार हो गई है। अब देखिए दोस्तों हमें जो ये एक लेयर है ना वो रखनी है 4.25 इंच की, 4.25 दो लेयर होगी 7.5 इंच की, ठीक है ना। और टोटल कमर हो गई 30 इंच की क्योंकि 8 लेयर है, ये एक लेयर है और इसके अंदर ये 2 लेयर है और फिर ये एक लेयर है, एक लेयर 2 लेयर 3 लेयर और एक ये 4 लेयर का हो गया है। एक लेयर रखेंगे 4.25 की तो 2 लेयर हो गई 7.5 की, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे देखिए इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट्स है ये है 4.25 के, तो 0.5 इंच के हम इसमें प्लेट डालेंगे, यहाँ पे हम इसमें प्लेट डाल देंगे
इतनी, और फिर किसको उसको कैसे, आपको जैसे नॉर्मली आप प्लेट डालते हो वैसे भी डाल सकते हो। और इसकी प्लेट्स हम यहाँ पे डालेंगे, और इसकी प्लेट्स हम यहाँ पे डालेंगे, और लास्ट में हम इसकी प्लेट यहाँ पे डाल देंगे। तो इसको हमें ये है 5.25 इंच का, जितना भी एक्स्ट्रा है यहाँ पे हम प्लेट डाल देंगे, और उसके बाद में हम 4.25 इंच की एक प्लेट रख लेंगे। टोटल हमें इसको 7.5 रखना है, उससे ज़्यादा है वो हम प्लेट में ऐड कर देंगे, दोनों प्लेट में ऐड कर देंगे। प्लेट डालने के बाद जैसे मैंने ये आपको दिखा रही हूँ, ये एक प्लेट डाल दी है, ठीक है ना, ये यहाँ से लेकर के यहाँ 4 इंच तक मैंने प्लेट को लॉक कर दिया है। अब क्या करना है, इस प्लेट को इस तरह से करना है, ये देखिए प्लेट्स का आधा हिस्सा इस तरफ और प्लेट्स का आधा हिस्सा इस तरफ, और फिर इसको ऐसे लॉक कर देना है। इससे क्या होगा, इससे इसका बहुत ही अच्छा लुक आएगा बाहर की तरफ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से इसका जो है बाहर की तरफ इसका ऐसे लुक आता है, बहुत अच्छा सुंदर लुक आता है। तो मैं सारी प्लेट्स डाल करके और मैं आपको लुक दिखाती हूँ, बस आपको कुछ भी नहीं करना है, प्लेट्स का इस तरह से आपको डिवाइड कर देना है, आधा हिस्सा इस तरफ और आधा हिस्सा इस तरफ, इसी तरह से सारी प्लेट्स पे यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे छोटी सी, तो ये आधा इस तरफ आ जाएगा और आधा हिस्सा प्लेट्स का इस तरफ, इसी तरह से सारी प्लेट्स में हम यही करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने सभी के अंदर ये प्लेट्स डाल दी है, 1, 2, 3 इस तरह से ये प्लेट्स आप देख सकते हो ऊपर की साइड में, इसको मैंने 4 इंच तक रखा है, और ये ऐसे बहुत ही फिनिशिंग से दिखती है इस तरह से डालने से। अब ये है लगभग हमारी जो कमर का पार्ट है वो है 15 इंच का, तो ऐसे हम चेक कर लेते हैं, ये है लगभग 15 इंच हमें तैयार करनी है, तो ये 15 इंच का यानी 30 साइज की कमर का ये बनेगा। अब हम इसमें लगाएंगे ये वाला नेफा, तो इसके हम 2 पार्ट्स करेंगे, आधा नेफा हम इसमें यूज करेंगे और जो आधा एक्स्ट्रा उसकी हम डोरी बनाएंगे। इसके हम 2 पार्ट्स कर लेते हैं, सबसे पहले इसको कट कर लेते हैं इस तरह से, देख सकते हो 2 पार्ट्स हो गए, एक को हम रख देते हैं, एक को हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे। तो ये जो नीचे की उल्टी साइड है यहाँ से हम इस नेफे को जॉइंट करेंगे, इसको हम आगे से इतना फोल्ड करके एक सिलाई कर देंगे, और इसके बाद हम एक सिलाई से इसको ऐसे अटैच कर लेते हैं। उल्टी साइड में नेफा लगा करके हमें अटैच करना, देखो उस उल्टी साइड में मैंने नहीं रखा है, यहाँ पे इसकी रोंग साइड है ना, ये रोंग साइड, यहाँ पे नेफे को ऐसे लगाना है और एक सिलाई कर देनी है। तो आप देख सकते हो मैंने इसके एक सिलाई लगा दी है। अब क्या करना है, अब इसको ऊपर से इतना फोल्ड करना है इस तरह से, थोड़ा फोल्ड करके फिर इसके ऊपर ऐसे लगा देना है, ये देखिए इस तरह से आपका नेफा तैयार हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको एक पिन लगा करके दिखाती हूँ, ऐसे फोल्ड किया, ऐसे इसके ऊपर फोल्ड किया, फिर यहाँ पे हम इसको पिन लगा देते हैं, और इस तरह से हम इसकी सिलाई निकाल लेंगे। तो पहले आल पिन्स से इसको बराबर में लॉक कर ले, इस तरह से पिन लगाएंगे, फिर लगा देंगे, फिर इसको इस तरह से किया, फिर यहाँ पे इसको बिल्कुल आप देख सकते हो ऐसे बराबर में चलना चाहिए, कहीं पे भी आपको इसमें झोल वगैरह कुछ भी नहीं आना चाहिए, यहाँ तक आया। अब आप इसके आगे का भी देख सकते हो, यहाँ पे भी इसको बिल्कुल भी कोई झोल नहीं आएगा, और बिल्कुल अच्छे से आपकी ये पट्टी यहाँ पे स्टिच हो जाएगी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि मैं इसको ऐसे फोल्ड करके, जैसे मैंने यहाँ पे लगाई है फोल्ड किया है आलपिन्स लगाई है, वैसे मैं इसके ऊपर ऊपर एक सिलाई लगा देती हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसकी सिलाई कर दिया ऊपर। अब हम इसके नीचे की आपको फोल्डिंग बताएंगे। तो ये देखिए ये जो पॉइंट लगा हुआ ना, ये इसका एक्स्ट्रा है, तो जितना भी आप उसको पहले बराबर में ऐसे फोल्ड कर ले अंदर की साइड में, हमें इसको जितना ये लगभग 3 इंच का है, तो 3 इंच की मार्क करके अंदर की ओर फोल्ड कर ले। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है, या ऊपर से भी इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया, बराबर में फोल्डिंग हो गई है। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐसे
आपने जितना ही ना वैसे इसके अंदर पहले घर डाल दें। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसके अंदर नीचे नीचे ऐसे सारी जगह में पूरी ऐसे फोल्ड करके इसको घर डाल दिया है, बिल्कुल बराबर के अंदर, गोलाई के अंदर इस तरह से, ठीक है ना, बिल्कुल बराबर में चल रहा है ना ये सब सारा सिस्टम। ये आपको मैं दिखाती हूँ, पूरा को मैंने ऐसे अंदर की ओर फोल्डिंग कर दिया है, यहाँ तक ये फोल्ड हो गया ना अच्छे से। अब इसको ऊपर वाले को हटा देते हैं और जो नीचे वाली फोल्डिंग है ना उसको हम इस तरह से करके यहाँ पे हम अल्पिन्स लगा देते हैं इस तरह से। इसको अंदर की ओर थोड़ा फोल्ड करते जाएंगे और इसकी आप चाहे तो सीधी सिलाई कर सकते हो, परंतु आप पिंस लगा के करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा होगा। तो इस तरह से इसको इस तरह से देखिए फोल्डेड कर दिया ना। अब यहाँ पे हम इसकी कॉर्नर्स पे एक एक सिलाई लगाते जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हो ना इस तरह से फोल्ड करके अल्पिन लगाए, इस तरह से फिर फोल्ड किया थोड़ी दूर पे और फिर यहाँ पे अल्पिन से इसको लॉक कर दिया। इससे आपको पेटीकोट की नीचे की जो है ना फोल्डिंग बहुत ही खूबसूरत आएगी। और इस तरह से फिर से थोड़ा आगे फोल्ड किया, अगर आपको यहाँ पे कुछ थोड़ा सा लूज पर लगता है क्योंकि यहाँ से ये स्पेस कम है, यहाँ से नीचे से ज़्यादा होता है, तो यहाँ से आपको क्या करना, थोड़ा सा इस तरह से ये एक चुन्नट डाल देनी है। ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे डाल ली है, इसको मैं थोड़ा सा आपको आगे डाल करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको ऐसे चुन्नट डाली है हल्की सी, ये यहाँ पे ऐसे कवर हो जाते हैं और यहाँ पे ये देखिए थोड़ी सी छोटी सी चुन्नट हो जाती है। इस पिंस को हम यहाँ पे हटाएंगे और इस चुन्नट पे लगा देंगे, ये यहाँ पे कवर हो गई है, ठीक है ना। अब ये जो सिलाई है ना, ये सिलाई सिलाई के अंदर ही मिलनी चाहिए। जो जैसे ये वाली सिलाई है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे सिलाई सिलाई के अंदर ही मिलनी चाहिए। ये आगे पीछे इस तरफ ये सिलाई का पॉइंट इस तरफ नहीं आना चाहिए ना ही इधर आना चाहिए, बिल्कुल सिलाई के अंदर ही मिलना चाहिए। और जो बीच का स्पेस है इसको इस तरह से अल्पिन से लो करें, फिर वापस इस सिलाई को सिलाई के अंदर मिला दें और जो भी एक्स्ट्रा हो तो इस तरह से हल्की सी चुन्नट लगा दें। तो इसी तरह से हमें सारी कलियों को फोल्ड करके तैयार कर लेना है, एक सिलाई लगा देनी है। सारी नीचे की तरह से फोल्डिंग हो गई है,